इतनी महंगाई में एक सर्विस क्लास की फैमिली चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। और ऐसे में लोग साइड इनकम का सोर्स ढूंढते हैं और पता चलता है किसी स्कैम में फंस के अपन जमा पूंजी भी गवा देते हैं। दोस्तों, इनकम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप साइड इनकम ढूंढें, इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अच्छा कमा सकते हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत ही सारे ऑप्शन पड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सेफ और सस्ता SIP है। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं SIP के बारे में, कैसे ये काम करता है और किस तरीके से लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा इनकम कमा के दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं जो बहुत कम समय में आपको अच्छा मुनाफा कमा के देती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सही रास्ता बताएंगे, आपको अच्छा मुनाफा कमाने के हर एक तरीके बताएंगे। तो इंतजार किसका है, उठाइए फोन और लगाइए कॉल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगर कोई आपसे कहे कि आप उन्हें कुछ पैसे दें और वो आपको रातों रात लखपति बना दें, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। वेल्थ क्रिएशन में समय लगता है। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका आज नाम है, उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ ही दिनों में इतना पैसा बना लिया। एक समय के साथ पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसा कमा के देता है। दोस्तों, इस बढ़ती हुई महंगाई में एक मिडिल क्लास फैमिली, एक सर्विस क्लास फैमिली के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कुछ पैसे बचा पाए, अपना घर चला पाए। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात। जो लोग पैसे सेव नहीं कर पाते दोस्तों, उसके लिए SIP सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप मात्र 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं SIP को बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको सिस्टमाइज करना। दैट मीन्स बस आपको इतना फाइंड आउट करना है कि आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं और किस टाइम इंटरवल पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप हर वीक आप 100 रुपए निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या आप हर महीने 1000 रुपए निकाल सकते हैं। जब ये फाइंड आउट हो जाता है, उसके बाद आप SIP प्लान चूज करते हैं, जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं अमाउंट और टाइम इंटरवल। फिर क्या होता है कि वो रेगुलरली बेसिस पे आपके अकाउंट से उतना अमाउंट कटना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो जाके सीधा सीधा आपके SIP अकाउंट में जाता है और SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। और हर बार जितना अमाउंट आपका कटता है, उस बेस पे आपको म्यूचुअल फंड नियुक्त इशू होता है। ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का आसान, फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीका है। और दोस्तों, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप जो अमाउंट डिसाइड करते हैं कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट टाइम इंटरवल को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो आप कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जाके आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये पूरा फ्लेक्सिबल होता है और आप इसमें से कभी भी पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, इसलिए एक सबसे बेस्ट भी माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, SIP में अर्निंग जो होती है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो आप कमाते हैं, वो दो तरीके से अर्निंग होती है। एक रुपी कॉस्ट एवरेज करके और दूसरा होता है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो रुपी ऑफ कॉस्ट एवरेज को मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर बार जब आपके अकाउंट से SIP के लिए पैसे कटेंगे, उन पैसों का आपका जो फंड मैनेजर होगा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। मे भी हो सकता है वो कोई ना कोई शेयर परचेज करे। और हर बार जब कोई शेयर परचेज करता है, तो जरूर नहीं होता है कि उस टाइम पे उसका प्रेट सेम हो। सकता है जो शेयर आज 100 रुपए में परचेज किया हो, आने वाले टाइम पे वो 150 का हो जाए और उसके बाद वो 50 रुपए का भी हो जाए। तो ये जो रुपए कॉस्ट एवरेज होता है, वो जो शेयर का रेट अप एंड डाउन होता है उसको एवरेज करके रखता है, जिससे क्या होता है आप प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं सिंपली वे में समझाऊं, मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट की और उसके बदले आपको 10% का इंटरेस्ट मिला है, दैट मींस आपके पास वो 110 हो गए। जो अगली बार इंटरेस्ट आएगा वो 110 का आएगा, दैट मींस 11 रुपए आएगा, उससे अगली बार इन दोनों को ऐड करके उसके ऊपर आएगा। और इसको पावर ऑफ कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पैसों को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, बड़ी जल्दी मार्केट में उसको हाई करता है। अगर दोस्तों आप भी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, भले जितने भी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तुरंत कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर और हमारे एक्सपर्ट से आप पूरा कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको हर एक कंपनी की पूरी डिटेल बताएंगे, किसके पास कौन सा प्लान है और कितना आप इसके अंदर कमा सकते हैं। जुड़े हमारे साथ फाइनेंशियल मार्केट की सभी जुड़ी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।